बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया से लाइव हूँ आपके साथ मैं, और आपको दिखाऊंगा आज हवावे वालों का हवावे नोवा 8। जी मेरे भाई, सऊदी अरेबिया में ये लॉन्च हो चुका है। मार्केट में इस वक्त इसका क्या रेट चल रहा है, यानी कि आप भाइयों को मोबाइल का एक छोटे से रिव्यू और इसके प्राइस से अपडेट करता हूँ सऊदी अरेबिया से। और अगर पाकिस्तान में इसके प्राइस कन्वर्ट करें तो पाकिस्तान में इसका क्या रेट बनेगा, उसे भी आपको अपडेट करूंगा। तो देखते हैं आज की वीडियो फिर हवावे नोवा 8 के साथ। जी आपके सामने हवावे नोवा 8 जो कि 5G के साथ लॉन्च किया जा चुका है सऊदी अरेबिया में। हवावे नोवा 7 के बाद सीरीज के बाद, यानी कि हवावे नोवा 8 5G के साथ मार्केट में आ चुका है। आप भाइयों के साथ इसका एक छोटा सा रिव्यू और इसके प्राइस से आपको अपडेट कर दूंगा। यहां पर आपको बैक साइड से मैं कैमरों के मतलब सबसे पहले ही बता दूं, कैमरों का जो डिजाइन है मुझे बहुत खूबसूरत लगा है और यह मार्केट में धूम मचाने वाला है, यह क्लियर बात है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, प्लस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 720 180 प्लस 4K वीडियो HDR में भाई आप इनसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैक साइड से कैमरे की इस मोबाइल की लुक देख रहे, बहुत ही आउट क्लास किस्म की बनाई गई है, लाइट वेट है बिल्कुल, और मुझे बैक साइड से तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। साइडों से, कोनों से, नीचे से आप मोबाइल को दिखाता हूं, कहीं से भाई कोई लुक ऐसी मोबाइल में रखी ही नहीं गई है जिससे यह मोबाइल बुरा लगे। मुझे तो बहुत पसंद आया है, खासकर इसकी सबसे जो मुझे सबसे ज्यादा चीज पसंद आई है जी, वो है जी इसका डिस्प्ले। जी कर्व डिस्प्ले रखा गया है, मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे आप घुमाकर। यानी कि सबसे पहले आपको सेल्फी कैमरे के मुताबिक बता दूं, 32 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा रखा गया है, HDR प्लस आप 4K वीडियो भाई इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K वीडियो HDR में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि एक अमेजिंग चीज है। सैमसंग A52 या A72 जैसी लुक दे रहा है इसका सेल्फी कैमरा, लेकिन डिस्प्ले भाई इसका यानी कि 52 से 72 से भी आगे है। अच्छा बात कर लेते हैं डिस्प्ले के मुताबिक ही, 6:57 यानी कि 6:57 का इसका डिस्प्ले रखा गया है, कर्व डिस्प्ले है। और अगर बैटरी की बात करें तो भाई 3800 यानी कि 3800 mAh की इसमें बैटरी यूज की गया है, हालांकि 5000 बैटरी आ रही है जी, लेकिन 5000 बैटरी के साथ भाई मोबाइल का वजन बन जाता है। 3800 mAh की बैटरी क्यों यूज की गई है ये भी मैं आपको क्लियर करता हूं जी। इसमें भाई 66 वाट का फास्ट चार्जर रखा गया है, मैं आपको इसका बॉक्स भी अभी दिखाता हूं। 66 वाट का फास्ट चार्जर रखा गया जिससे आप सिर्फ 15 मिनट में 60% अपना मोबाइल भाई रिचार्ज कर सकते हैं, और 35 मिनट अगर सिर्फ लगाते हैं ना इसे आप, तो आपका मोबाइल भाई 100% हो जाएगा सिर्फ 35 मिनट के अंदर। 15 मिनट के अंदर 60% ये मोबाइल 0 से भाई 60% तक चार्ज होगा। अगर स्टोरेज की बात करें तो आपको मैं यहां पर इसका डिस्प्ले दिखा रहा हूं थोड़ा घुमाकर भी, मुझे इसका डिस्प्ले यकीन माने बहुत ही अमेजिंग लगा है। इसके ऊपर जब आप बाइक को सेफ्टी वाला ग्लास अच्छा लगवाएंगे उसके बाद ये इसकी लुक अमेजिंग होगी। अच्छा अगर स्टोरेज की बात करें तो आपको 128 GB 8 GB रैम के साथ, 256 GB 8 GB रैम के साथ, यानी कि स्टोरेज तो इसमें दो रखी गई हैं लेकिन 256 और रैम एक यूज की गई है जी 8 GB। यहां पर आपको मैं इसके प्राइस भी दिखा रखा हूं, देख ली 1899 यानी कि 1900 रियाल में बोल रही है, लगा हुआ है जी ये जरीर में ही वैसे अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा स्टोर से दिखा रहा हूं। एक्स्ट्रा स्टोर में भाई इस वक्त ये 1900 रियाल में लगा हुआ है। इसका बॉक्स देख लें, बॉक्स के ऊपर बड़ा लिखा गया है 66 वाट का फास्ट चार्जर जो कि 15 मिनट के अंदर भाई 60% बैटरी चार्ज करेगा। अच्छा यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं भाई कि ये यहां पर इसके प्राइस हैं 1900 रियाल यानी कि एक्स्ट्रा स्टोर में, बाहर मार्केट में इसके क्या प्राइस हैं उसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह ताला आप भाइयों के साथ 2-3 दिन बाद ही शेयर करूंगा, और इसका उसके यानी कि मार्केट के लिहाज से इसका एक छोटा सा रिव्यू और मार्केट में इसके क्या प्राइस हैं उससे भी अपडेट करूंगा। बाकी पाकिस्तान की मार्केट वगैरह में इसके क्या रेट आएंगे या आ चुके हैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।